बंगाल चुनाव के मतगणना में अभी तक के रुझानों में यह स्पष्ट दिख रहा है कि दीदी फिर से वहां सरकार ममता दीदी बनाने जा रही हैं। बंगाल में बीजेपी ने सारी ताकत झोंकी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर बीजेपी वहां चुनाव लड़ रही थी। बंगाल की जनता ने औंधे मुंह पटका है बीजेपी को। बंगाल में राष्ट्रीय जनता दल का अनकंडीशनल सपोर्ट था वहां ममता दीदी को। जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, दीदी ओ दीदी 2 मई दीदी गई, अब तो 2 मई दीदी फिर से आ गई, बीजेपी वहां कुछ नहीं कर पाई, अब तो बंगाल की जनता खोज रही है बीजेपी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, दादा ओ दादा ये क्या हो गया, बीजेपी किस तरह बंगाल में चुनाव हार गया। तो अब तो बंगाल में बंगाल की जनता ने खेला कर दिया, जो ममता दीदी ने कहा था खेला होबे, खेला हो गया बीजेपी का, वहाँ बंगाल में खेला हुआ, अब बिहार में खेला होगा। जी 2/3 बहुमत से वहाँ आ गई, और कुछ लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा दाढ़ी बनाकर घूम रहे थे, वो बंगाल का वो जो हावड़ा का पुल था उसको बेचने के लिए। लेकिन जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ, बंगाल के पश्चिम बंगाल की जनता को, कि उन्होंने हावड़ा पुल को बिकने से चोरों से बचाने का काम किया। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो दाढ़ी बनाकर घूम रहे थे कुछ लोग, उसको बकड़ा साबित कर दिया लोग बंगाल की जनता ने। और देश में कोरोना जो आज संक्रमण बढ़ रहा है वो केंद्र सरकार का देन है, जिसके वजह से लोगों की मौत हो रही है, और बंगाल की जनता समझती थी ये धोखेबाज है और देश को जब धोखा दे रहा है तो हम लोग को भी धोखा देगा। आपको लगता था कि ममता बनर्जी के बारे में मैं पहले ही घोषणा कर दिया था कि ममता बनर्जी का ही वही सरकार बनेगी। और सबसे पहले चीज है कि बिहार से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी गए थे ममता जी की मदद में, और लालू जी का संदेश लेकर गए थे, और वो बहुत बड़ा काम आया लालू जी का संदेश और तेजस्वी जी का जाना, और सरकार वहाँ ममता दीदी का पुनः तिवारा बनने जा रहा है, सरकार बनने जा रहा है और वो मुख्यमंत्री होने जा रहा है। चुनाव कहीं नहीं होने चाहिए थे, 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वो गलत हुआ है, और मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा है कि चुनाव आयोग पर केस करना चाहिए, उस पर दंडित करना चाहिए जो उन्होंने चुनाव का घोषणा किया, चुनाव कराया, जो लोग भी इसमें शामिल है उसको दंडित करना चाहिए कि कोरोना काल में चुनाव नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जमानत मिल गई है, बिहार में वो जैसे ही प्रवेश करेंगे कि बिहार में खेला होबे और सरकार महागठबंधन की बनेगी और खेला होबे।